चलिए नमस्कार, चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर पिछले कई क्लासेस में सीटेट और नेट, इन क्लासेस में आपको जो जो समस्याएं आ रही हैं उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज हम जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वह है आपका कि सीटेट की तैयारी कैसे करें, हाउ टू क्रैक सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार में कैसे निकालें। बच्चे अक्सर प्रश्न करते हैं कि सर सीटेट हमारा अधिकतम जो है कुछ 5 नंबर से 7 नंबर से मैक्सिमम रुक जाता है, तो दिक्कत कहाँ आती है। इस पे बच्चों ने टॉपिक ऑन डिमांड स्कीम के अंतर्गत, जिसमें आपको बता दूं आप भी इसमें भाग ले सकते हैं, जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स या समस्याएं हैं, दिक्कत सीटेट और नेट के एग्जाम से रिलेटेड आ रही है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप उसमें अपने कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे उन टॉपिक्स पे अपनी बात रख सकते हैं और हमारे पैनल टीम जो है उन टॉपिक्स पर अपने आपको पूरा मार्गदर्शन करने की कोशिश करेगा। तो जो बच्चे अक्सर प्रश्न करते हैं कि सर सीटेट क्यों नहीं निकलता है, क्या दिक्कत है, तो उसके पहले सीटेट कुछ ईयर में आपके लिए कुछ आंकड़े इकट्ठे हुए हैं, फिर पूरे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे मैं प्रकाश डालूंगा एक इस वीडियो के माध्यम से, और कई भी वीडियो बनेंगे जिसमें हर एक पॉइंट को अलग अलग तरीके से वीडियो बना के आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। आज समरी के रूप में जो महत्वपूर्ण प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं सीटेट में उन पे हम चर्चा करते हैं। तो पहले एक बार थोड़ा चर्चा हो जाए कि सीटेट पिछले कई ईयर के पेपर में जो रिजल्ट इसके आ रहे हैं, ये टफ एग्जाम में देश के सबसे क्यों गिना जाता है। कारण ये है कि 2018 के आसपास इसका जो रिजल्ट था वो 10% के आसपास था, उसके बाद 2019 आते आते या अपने मैक्सिमम 14% के रिजल्ट के आसपास आता है, और 2019 आपका लगभग दिसंबर का जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ था वहां लगभग 22% के रिजल्ट आए हैं पूरे देश से। यह एक बात सिद्ध करती है कि सीटेट आज भी देश के लगभग 25% रिजल्ट को पास नहीं कर पाया। यह बताने का उद्देश्य इतना है कि इसकी आप कठिनता के स्तर को समझे। तो आइए चलते दिक्कत चर्चा करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि वह कौन कौन से तरीका है, वह कौन कौन से पॉइंट है जिस पे आप फोकस करेंगे और सीटेट आपका आसानी से निकलेगा। तो नंबर वन, सबसे पहला बच्चे पूछते हैं सर मंत्र क्या है। तो मंत्र हम लोग केवल एक ही हमेशा बताते हैं कि खूब पढ़ें, स्वयं पढ़ें और सबसे इंपॉर्टेंट कि व्यवहारिक पढ़ें। जी हाँ, सीटेट में हम लोग बार बार कहते हैं सीटेट क्या है, जैसे थ्योरी का एप्लीकेशन है, तो जो जो थ्योरीज आपने पढ़ा है उसको व्यवहारिक पदों में आपको तोड़ना पड़ेगा, एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। या अब जैसे बच्चे कहते हैं कि सर टेट और सीटेट की संरचना को ही मैक्सिमम बच्चे नहीं जानते हैं, टेट तथ्यात्मक टाइप के प्रश्नों को पूछता है और सीटेट जो है वो विशेष रूप से पेडागोजिकल प्रश्नों को पूछता है। यहाँ पे आपको अपने सिद्धांतों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण शास्त्र को यूज करना है आपको पेडागोजी के अंतर्गत। ठीक, आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। चलो, अब दूसरा जो प्रश्न आता है बच्चों का कि सर इसकी तैयारी जो किया जाए उसमें एग्जाम पैटर्न, हम लोग बार बार कहते हैं, बच्चे पूछते हैं कि सर किस तरीके से किया जाए। तो पहले थोड़ा चर्चा एग्जाम पैटर्न पे हूं जिससे हम सब वाकिफ हैं। सीटेट में हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में लगभग फर्स्ट पेपर के आसपास फोकस करेंगे, क्योंकि इधर प्राइमरी में वैकेंसी आने वाले भी समय में काफी आने वाली है, तो आज हमारा जो चर्चा है वो फर्स्ट पेपर के ही की जाएगा। उसमें आप क्या करते हैं कि एग्जाम के पैटर्न को सबसे पहले समझिए कि आपके पांचों जो आपके यूनिट है, पहला सीटीपी है, लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू और आपका ईवीएस और उसके बाद मैथमेटिक्स, तो इनको बहुत अच्छे प्रकार से आपको समझना है और एकदम किस तरह से 15 नंबर के पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र और 15 नंबर के आपके तथ्यात्मक प्रश्न, और कहीं कहीं सीटेट पेडागोजी यहां तक के प्रश्न बढ़ जाते हैं, हिसाब से तो 75 प्रश्न हुआ, लेकिन पेडागोजी के जब हम दायरे को देखते हैं तो मिला जुला कर लगभग 90 क्वेश्चन के इर्द गिर्द वह चला जाता है। तो इसलिए आपको उसके पैटर्न को समझना होगा और बार बार। सेकंड जो आता है इंपॉर्टेंट, जब आपने पैटर्न को समझ लिया तो उसके बाद आपको क्या समझना चाहिए, सिलेबस। हम लोग बार बार ये कहते हैं कि सिलेबस को समझना बहुत ही जरूरी है। सिलेबस के इर्द गिर्द जितनी चीजों को आप सिलेबस को एक दो बार नहीं, कम से कम 100 बार पढ़िए और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत बड़े दायरे को लेकर के चलता है। उसमें जो आपके जितनी यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को आपको सिलेबस को ध्यान से समझना होगा। हम लोग इन सारे टॉपिक्स पे अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत डीप स्टडी में आपको
प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, आपको जितने मटेरियल है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद बच्चे जो है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि सर इसकी रणनीति क्या हो, तो रणनीति हम लोगों ने जैसे उसके लिए हमने आपको पहला वीडियो बनाया था हाउ टू क्रैक सिटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, वीडियो फर्स्ट वीडियो सेकंड और वीडियो थर्ड में अभी इंडिविजुअल जो साइकोलॉजी जैसे जीन पियाजे वाइगोट्स्की चुमेस्की इन पे अभी जो मेन मेन पॉइंट्स पूछते हैं इसको मैं कल के वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से वो पॉइंट्स है जो पूछते हैं। रणनीति के लेवल पे अगर देखा जाए तो हम लोग बार बार कहते हैं कि बहुत ज्यादा आप उम्मीद ना करिए कि इतना हम कर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया कितने सालों में 22% के रिजल्ट ही आसपास गए हैं, तो आपको एक रणनीति बनानी होगी जैसे हम बनाते हैं। उसमें पहले वीडियो मैंने बताया कि हर यूनिट से लगभग 22 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और वो आसानी से अगर 22 क्वेश्चन करते हैं तो 22 × 5 = 110 नंबर आप आसानी से क्वालिफाई करते हैं जो कि सीटेट में बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ मैंने आपको एक चीज और बताया था कि प्लस वन का सिद्धांत। ये प्लस वन का सिद्धांत क्या है कि जो आज आप टॉपिक डिसाइड किया कि जैसे आज मुझे मान लीजिए कि कोई पियाजे पढ़ना है या पियाजे का एनिमिज्म पढ़ना है, जीववाद पढ़ना है, तो उसके साथ साथ मिलाकर और भी एक पॉइंट्स को आप समझने की कोशिश करिए कि चलो उसको भी आज एग्जाम्पल से समझते हैं। और इस मामले में मैं बहुत लकी हूं कि और मैं ऐसी टीम भी पाया हूं जिसमें नेट जीआरएफ और बाकी पेपर्स में हम लोग पूरी तरह से टफेस्ट टॉपिक को वे प्योर एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जहां कमी होती है हमें अपने गुरुजनों से भी सलाह मिलती रहती है और हम उसमें भी सुधार करते हैं आपको, लेकिन आपके रिस्पॉन्सेज बता रहे हैं कि आपको क्लासेस पसंद आ रहे हैं। इसी के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी होता है कि पेडागॉजी को समझना। मैक्सिमम बच्चे कहते हैं वो अंतर करने लगते हैं कि एप्टीट्यूड है, पेडागॉजी है, साइकोलॉजी है। पहले वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स को समझाया था और आने वाले वीडियो में उसको मैं एक्सप्लेन से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर पेडागॉजी शिक्षण शास्त्र को समझना है और शिक्षण शास्त्र का आधार आपको कौन देगा, साइकोलॉजी के सिद्धांत देंगे। साइकोलॉजी के सिद्धांतों को जब आप जान लेंगे तब आपको एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, क्या टीचिंग मेथडोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। शिक्षण में कौन कौन सी विधियां यूज करें, शिक्षण में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करें, कौन कौन सी टैक्टिक्स यूज करें, तो इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान और बीएड करने के दौरान, बीटीसी बच्चों ने इंटर्नशिप करने के दौरान जो व्यवहारिक चीजें उनके जीवन में आई बच्चों को समझाने के दौरान, वही चीज यहाँ पर आपको यूज करना है। हम बार बार वह चीज करते हैं कि सीटेट के प्रश्नों को लगाते समय एक ही तरीका है कि प्रश्नों को लगाते समय आप खुद बच्चा बन जाइए और उसकी मेथोलॉजी को यूज करते समय, पेडागॉजी को यूज करते समय आपको टीचर बनना पड़ेगा। तो जो सबसे आपको एप्रोप्रिएट आंसर लगेंगे उन्हीं आंसर तक पहुंचना होगा, यही एक तरीका है। आगे क्या आपका कि बच्चे अक्सर प्रश्न करते हैं कि सर बुक कौन कौन सी लिया जाए, तो बुक हम लोग आपको बार बार बताते हैं कि सीटेट चूंकि प्योर व्यवहारिक लेवल पे प्रश्नों को पूछता है, एप्लीकेशन आप थ्योरी पूछता है, इसलिए मार्केट की किताबों में जो आपको पसंद हो या आपका विवेक है, हम हमेशा यही कहते हैं कि सेल्फ स्टडी। और साथ ही साथ 5 से 7 साल ईयर के जो सीटेट के पेपर हैं उनको लगाने की कोशिश करिए, सेल्फ नोट्स बनाइए। हाँ, उसका तरीका पूछते हैं कि सर उसका तरीका क्या हो, तो उसका तरीका ये हो सकता है कि आप रिवर्स टेक्नोलॉजी अपनाइए। रिवर्स टेक्नोलॉजी क्या है, मैं इस पर भी एक दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे संक्षिप्त में चर्चा कर रहा हूं कि रिवर्स टेक्नोलॉजी का मतलब थ्योरी आपके एमसीक्यू से आप थ्योरी को डेवलप करिए और अपने जो थ्योरीज को आपने एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने जो समझा हुआ है उससे उसको मैच कराने की कोशिश करिए, आसानी से हो जाएंगे आपके प्रश्न को कवर। अब उसके बाद बच्चे कहते हैं उसमें कि सर किताब क्या पढ़, कौन सी पढ़ा जाए, तो जो आपको किताबें अच्छी लगती हैं, चूंकि ज्यादातर जो किताबें वो बीटीसी और बीएड को ध्यान में रख करके या डीएड के सब्जेक्ट को ध्यान में रख करके बनाई गई हैं थ्योरी पेपर्स के लिए, और सीटेट में जो मार्केट में किताबें आ रही हैं सीटेट के नाम पे, वह किसी न किसी किताब की लगभग कॉपी है, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं करते। हमेशा यही कहते हैं कि या तो हमारे वीडियोस को आप देखिए आसानी से और एग्जांपल्स को समझिए। जैसे ही आप एग्जांपल्स को समझ लेंगे, जिस भी माध्यम से समझ लेंगे, आपको सीटेट निकालना एकदम ईजी हो जाएगा। साथ ही साथ बच्चे क्या करते हैं भाई, अगला प्रश्न जो आता है
कि आपको कि किस तरह से सर हम लोग लैंग्वेज वाले खंड को किया जाए। तो देखिए लैंग्वेज वाले जो खंड है जिसमें लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू है आपका, उसमें आपको ज्यादातर कई जगह भाई यूट्यूब चैनल भी प्रयास कर रहे हैं अच्छा पढ़ाने का, लेकिन बड़ा कष्ट होता है इस बात पे कि जब वो थ्योरीज के साथ साथ प्राइमरी के सेक्शन में वो हाई क्वालिटी का ग्रामर पढ़ाने लगते हैं। हम बार बार आपसे यही बात बोलते हैं, सीटेट बहुत इजी है, आपको वहां पर ग्रामर लगभग नहीं पढ़ना है। प्राइमरी लेवल पर जो पढ़ना है वह क्या पढ़ना है, वोकैबुलरी पढ़ना है, शब्द भंडार पढ़ना है आपको, जितने आपके शब्द के संचय हैं। कि छोटा बच्चा बार बार कहते हैं प्राइमरी लेवल पे जो एज है वह छोटा बच्चा चीजों को आसपास कैसे समझता है, वह उन शब्दों को कैसे जानता है, उन शब्दों की लिस्ट बनाइए आप, पर्यायवाची विलोम शब्दार्थ तमाम प्रकार के जो है अपने शब्दों को विस्तार किया। और ये बात तब ज्यादा प्रूफ होती है जब हम संस्कृत के पेपर में जाते हैं और वहां पे क्या है आपको संस्कृत को अनुवाद के बेसिक्स को जानना है और सीधे सीधे आपके उसके शब्द भंडार पर आना है। ये सबसे शॉर्टकट सबसे इजी तरीका है कि जिसको पढ़ने के बाद हमारे हर साल बच्चे मैक्सिमम संख्या में निकालते हैं, हमारे कॉलेज से निकालते हैं बच्चे कहते हैं। कारण क्या है, हम लोग यही कहते हैं कि आपके उसको तरीके को समझना है, बहुत ज्यादा ग्रामर के चक्कर में नहीं पड़िए। जब हम क्लासेस लेंगे आपके पेडागॉजी वाले उसमें आप खुद ही जान जाएंगे कि क्या क्या पढ़ना है। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे साथ आपको बना रहना होगा। आगे उसके बाद आते हैं बच्चे कि ईवीएस वाले पोर्शन में बच्चे करते हैं कि सर ईवीएस में क्या किया जाए। तो देखिए फिर यहाँ पर भी ज्यादातर यूट्यूब चैनल या जो पढ़ रहे हैं जिस तरीके से, फिर यहाँ पर वो गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। हम लोग बार बार कहते हैं कि ईवीएस का भी मतलब जैसे सारे पोर्शन में कहते हैं हमारे आसपास का एनवायरमेंट, यहाँ ईवीएस का मतलब वो नहीं है जैसे आप टेक में पढ़ते हैं कि पर्यावरण क्या है, इकोनॉमी इकोलॉजी और इकोसिस्टम, दुनिया भर की जो चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम इजी तरीका है कि यहाँ पर जो ईवीएस मतलब है वह आपके सांस्कृतिक वातावरण से लिया जाता है। सांस्कृतिक वातावरण से व्यापक है, ये नहीं कह सकते कि केवल सांस्कृतिक वातावरण, आपको भारत को जानना है, उसके टॉपिक्स आप ध्यान से देखें जैसे वाटर शेल्टर ये जो टॉपिक्स हैं। यानी एक जो छोटा बच्चा है एक तो आपके भारत के भौगोलिक संरचना भारत के भौगोलिक सांस्कृतिक संरचना को आपको जानना होगा कि कौन कौन सी चीजें कहाँ पे पाई जाती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूछा जाता है कि एक ट्रेन जा रही है और वह एक स्टेशन पर रुकती है और वहां पे जो है स्टेशन पे रुकते हैं वहां पर बड़ा पाव और ये जो चीजें मिलती हैं वो कौन सा राज्य हो सकता है। तो भाई ये खान पान रहन सहन पहनावा आवास यातायात कौन से स्टेट में क्या क्या है, इनको आप आसानी से समझेंगे तभी आप एकदम समझ जाएंगे कि पढ़ना ये बहुत इजी तरीके से पढ़ना है। हम लोगों ने बहुत से कम से कम 50 से ज्यादा टॉपिक्स को सिलेक्ट किया है। अपने आने वाले वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि भैया बस इतना पढ़ लो सीटेट निकल जाएगा आसानी से, जैसे हमारे बच्चे निकालते हैं। उसके साथ साथ आपको सिर्फ यही चीज आता है कि सर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े, तो उसके लिए आपको मेरा कल का वीडियो देखना होगा। उसमें आपके बाकी दो वीडियोस में मैं पहले बता चुका हूं और कल के वीडियोस में मैं ये बताऊंगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल साइकोलॉजिस्ट हैं उनके कौन कौन से सिद्धांत पूछे जाते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पूछे जाते हैं। जैसे आपका क्या है आपका कि मान लीजिए कि आपका जिन पियाजे का है, वाइगोर्स्की का है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो आपका, तमाम उन्हीं की अंदर कौन कौन से बिंदु पूछे जाते हैं, मैं कल इनको रेखांकित करूंगा और फिर वीडियो वन बाय वन स्टेप के थ्रू उन सारे कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करूंगा। ज्ञानी के अधिगम सोपान की है और एसआई मॉडल है आपका गिलफोर्ड का, उसमें क्या क्या चीजें आती है, प्रश्न कैसे बन सकते हैं, ये चीज बताने की जरूरत है। बहुत ही ईजी है, आप आसानी से उसको निकाल लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो कल के वीडियोस को जरूर से देखिए और उन पॉइंट्स को जो मोस्ट लगभग 17-18 क्वेश्चन को कवर करते हैं कल मैं उनको एक वीडियो में पॉइंट वाइज रूप में लूंगा।